द्वारा आयोजित वरिष्ठ विधायक सम्मान के अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मंच पर विराजित ट्रस्ट के संयोजक और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, मंच पर विराजित श्री मोहनलाल गुप्त जी, श्री अभिमन्यु सिंह जी, और जिनको सम्मानित किया गया है राजन जी, आदरणीय बहन सूर्यकांता व्यास, श्री प्रताप सिंह सिंघवी जी, श्री राम, श्री परशुराम मौर्या जी, श्री हेमा राज जी, महानुभाव हैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों। और गुलाब जी ने मुझे कहा जी तिथि के अवसर पर भंडारी जी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, ये उन्होंने अपने स्वयं वक्तव्य के अंदर बताया और उसमें आपको आना है। कारण नहीं था, स्वाभाविक रूप से मेरी स्वयं की इच्छा और आप सब लोगों का मैं दर्शन कर सकूं, मुझे यहां आने का अवसर प्रदान किया गुलाब जी ने, इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वरिष्ठ विधायकों का सम्मान चाहे किसी भी दल का हुआ, लोकतंत्र के अंदर दलगत राजनीति के आधार पर चुनाव होते हैं और जो भी चुन के जाते हैं सभी प्रदेश और देश के विकास के क्रम में अपना योगदान करते हैं, और जिन्होंने लगातार जनप्रतिनिधि होकर काम किया है उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनको कोई सम्मानित न्यास के द्वारा या सम्मानित लोगों के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है, तो उनको भी मन के अंदर आंतरिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। और मैं समझता हूं कि जिन मित्रों को सम्मानित किया गया है, वरिष्ठों को, उनका मैं सम्मान तो किया हूं लेकिन अभिनंदन भी करता हूं, उनका वंदन भी करता हूं। भैरव सिंह जी से मेरा भी गत 20-22 वर्षों से निकट का संबंध था, और जैसा कई लोगों ने बताया कि उनके कर्तित्व और व्यक्तित्व से केवल उनके संपर्क में आने वाले लोग ही प्रभावित हुए, ऐसा नहीं है, वे तो प्रभावित हुए ही, साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व कर्तित्व समाज के विभिन्न लोगों को, देश के विभिन्न प्रदेशों को विशेष प्रकार की प्रेरणा से प्रभावित भी किया है। और कहीं भी जब भैरव सिंह जी का नाम आता है विधानसभा में, जब भैरव सिंह जी आए थे जिसका उल्लेख किया श्री कटारिया जी ने, जागीरदारी प्रथा के विरोध में
इसे सब दूर चर्चा है और चर्चा के परिणाम स्वरूप लोगों को लगता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे और अति मध्यम वर्गीय उससे भी करने की मर्यादा रखने वाले अगर कोई व्यक्तित्व के धनी है जब तो उनका शरीर शांत हुआ अगर उनका तो उसी से भरा कुछ समय के उन्होंने राजस्थान के विशेष रूप से जिन जिन मुद्दों को उठाया ज्यादातर जो वंचित जो संसद में रखते हुए अपने उस संवेदनशील व्यक्तित्व का जबरदस्त परिचय दिया था और इसलिए अगर राजस्थान में आम आदमी के आर्थिक उन्नयन की दिशा में अगर किसी ने महत्व किया है तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया है और उसका लोगों ने सहर्ष चाहे किसी भी दल के लोग रहे होंगे उनके साथ जुड़कर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शेखावत जी ने कभी ये नहीं माना कि मैं कर रहा हूं कि जो भी यहां है राजस्थान ऐसे सब लोगों के सहयोग के आधार पर ही राजस्थान के आधार पर ढांचे का विकास हो सकता है। राजस्थान की विकास की प्रक्रिया और इसे सबका सहयोग प्राप्त करना चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो हर तरीके से सबको साथ में जोड़ा था और इसे उनके बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा संबंध था जब लोग मिलते थे लगता था कि हम एकदम एक ही परिवार के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखरिया जी के बारे में विशेष चर्चा होती थे। केवल प्रदेश स्तर पर नहीं मुझे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे साम्यवादी हो उस समय कांग्रेस के लोग थे कांग्रेस रहा हो चाहे किसी भी दल से संबंधित रहे होंगे किसी भी क्षेत्र के होंगे रीजनल पार्टी भी थी क्षेत्रीय दल भी थे सभी लोगों के नेतृत्वकर्ता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और साथ में मिलकर चलने का स्वरूप और सौहार्दपूर्ण चिंतन उसमें से निष्कर्ष रूप में कौन सी चीज लागू की जाए जिससे देश और प्रदेश का विकास अधिक लोग उसमें सहभागी बन सकते हैं तो ये मुझे कई चीजों के बारे में जानकारी है चाहे जनता पार्टी हुकूमत रही होगी अटल जी अडवाणी जी और मैंने तो देखा यहां तक कर लिया जाए तो उसमें क्या चीज निकल सकती है उसका समाधान कैसे हो सकता है उसको भी देखा जा सकता है। ओके तो विभिन्न वैचारिक अधिष्ठान से आए हुए लोगों को भी किस ढंग से आगे वैचारिक अधिष्ठान के माध्यम से भी समाज बनाया जाए लोग स्वीकार करते तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी भैरव सिंह एक ही घटना को लेकर वार्ता करना बहुत अधिक शिक्षा न होने के पश्चात भी इतना विशाल चिंतन की गहराई ये उसी के अंदर हो सकती है जिसके अंदर देश प्रति राष्ट्र प्रति समान व्यक्ति और प्रबल संवेदनशीलता होगी उसी के अंदर हो सकती है और किसी
और इसी कारण राजस्थान आगे विकास के क्रम में आगे चलता गया। और जिस व्यक्तित्व के नाम पर न्यास थे वो तो जीते जाते एक सिद्धांत के मूर्त रूप थे, सिद्धांत के मूर्त रूप थे। स्वर्गीय भंडारी जी उनको देखने से, उनसे मिलने के बाद, उनसे वार्ता करने के बाद, उनके आचरण व्यवहार से इस साक्षात रखता था जो सिद्धांत है, जो नीति है, अगर उसके स्वरूप का दर्शन करना है तो स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी का दर्शन कर लीजिए, तो सिद्धांत अपने आप प्रभावित होकर आपके अंदर आत्मसात होने के लिए प्रेरित होगा। स्पष्ट वाचिका में कोई कभी नहीं, लेकिन उसी तरीके से ममतामय व्यवहार, कोई से सुनिश्चित हुई है तो कड़ाई से पालन करने की तैयारी, कड़ाई से, उसमें कोई समझौता नहीं। कोई सैद्धांतिक पक्ष है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं, किसी प्रकार की कमी है, कई किसी के अंदर अभाव है, कई संगठन का कार्यकर्ता परेशान है, तो उसके प्रति ऐसा ममता में व्यवहार कि कभी कभी तो उनकी सेवा को देख करके उस व्यक्ति को लगता था कि शायद मेरी मां इतनी सेवा नहीं कर पाएगी जितनी सेवा भंडारी जी कर रहे हैं। मैंने देखा, इसी में मैंने देखा है, कर्म के अंदर कर्म निष्ठा के भाव के कारण जो भी पक्ष सुनिश्चित किया है राज्य के तक लचकरे तक पहुंचाने के लिए उसमें कोई समझौता नहीं, उसको पूरा किए बगैर नहीं चलेगा। ये दोनों के अंदर सिखावत जी के अंदर भी, भंडारी के अंदर, व्यक्तिगत आधार पर अगर कोई अभावग्रस्त है, कोई रोग है, कोई परेशान है, तो उसके प्रति इतनी अधिक संवेदना, ममता करके उसको अपने साथ जोड़ लेना, एक अद्भुत और विलक्षण ये व्यक्तित्व का। और ऐसे जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृतियों से ही लोग प्रेरित होंगे। इन लोगों के बारे में जितना वर्णन करना, गुलाब जी ने जब ट्रस्ट प्रारंभ किया तो उसे मैं भी था, मैंने कहा मुझे भी अपने ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बना लीजिए, मैंने भी शायद चेक कर दिया। तो दोनों का स्नेह इतना अधिक मिला है अब टकरा नहीं कर सकते, नहीं मैं केवल उनके स्नेह को स्मरण के नाते, भरत सिंह जी चेयरमैन थे, कैसा प्रोत्साहित करते थे आप कल्पना नहीं कर सकते। जब मैं कभी भाषण करके आधा आता था, कभी अटल जी से कहते थे, कभी और भी लोग से कहते थे, भाषण से, और मुझे फोन करके लोग कहते थे ऐसा ऐसा। मैंने पूछा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हमने बताया अरे भाषण कैसा हुआ क्या हुआ वो अलग। अपने सहयोगियों को जो प्रामाणिकता और ईमानदारी साथ काम करना चाहते हैं, जो अभी बहुत छोटे हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित करना, और काम के प्रति निष्ठा समर्पण के भाव से वो आगे और जुड़ा रहे, उस वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान किया गया है आए हुए हैं, जिनका नाम उन्होंने लिया, इस सब अगली पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, नाम सबका लिया सकता है, ये सब लोग इन दोनों के व्यक्तित्व अच्छी तरह समझते हैं। हम सब लोग के माध्यम से जो भी जनता का, जो भी समाज का, जो भी देश का